हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे इस तरह से बात बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बस ऐसे ही वीडियो शूट करके और वॉइस मेल करके फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती थी। तो करवा चौथ आने वाली है तो मैंने सोचा चलो एक दो वीडियो है जो मेकअप के मुझे डालने चाहिए, मतलब मेकअप वीडियो करना चाहिए। तो इससे पहले फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब ज्वेलरी का वीडियो, मतलब मेरे नेकलेसेस वगैरह हैं वो, उसके वीडियो मुझे आपसे सजेस्ट, मतलब मुझे सजेस्ट करिए आप कि मुझे कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए, आप बताइए, मैं उसी ज्वेलरी में आपके साथ मेकअप वीडियो लाऊंगी। तो मैं ज्वेलरी आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। मतलब मेरे पास ऑक्सीडाइज में, नेक चोकर में और मतलब बहुत सारे पर्ल में भी हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैं किस वीडियो, मतलब नेकलेस में वीडियो शूट करूं। तो सबसे पहले जो मेरे पास थोड़ा मतलब भारी टाइप का सेट है वो मैं आपके साथ दिखाऊंगी, और जो हल्के हैं वो मैं आपको दूसरा वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैं मतलब पार्ट बाय पार्ट करके डालूंगी। तो सबसे पहले मैं सबसे हैवी दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कितना बड़ा है ना। तो ये है ब्राइडल ज्वेलरी, तो ये ब्राइडल ज्वेलरी मेरी बहुत पुरानी है, इस टाइप का ये देखिए। तो ये मेरा ग्रीन कलर का है, मेरी आवाज़ देख के पता चल ही रहा होगा क्या हालत है मेरी, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब हालत ही ख़राब है भैया मेरी। तो ये है ब्राइडल ज्वेलरी, मैंने ये पिछले करवा चौथ में वेयर की थी, ये देखिए इसकी, ये मैंने ये मतलब जो पार्लर वाली ने थी पिछले मतलब शादी में रेडी हुई थी, उन्होंने ये कट कर दिया, क्योंकि ये बन वगैरह बन जाता है तो बालों से जाता नहीं है, तो ये इसके पीछे से ये सब काट दिए थे। तो अब यूं ले जाके आप ये देखिए कितना हैवी है और ये कितना ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छा लग रहा है ना आपको ये देखिए। और इसके साथ इयर रिंग्स हैं, ब्राइडल ज्वेलरी में तो पूरा ही कुछ होता है, बट मैंने ना जो पिछले करवा चौथ में इसको वेयर किया था तो मैंने इसके सारे कुछ निकाल दिए थे, ये इयर रिंग्स है ये देखिए, और इसकी बैंड माथा पट्टी थी पर मैंने माथा पट्टी को निकाल दिया था और मैंने बस ऐसे ही बैंदी रखी थी, और बैंदी रख के मैंने इसको बैंदी टाइप से पहना था। और ये इसका लॉन्ग है, ये इसका लॉन्ग नेकलेस है, बट मैंने इसको अभी पहना ही नहीं है एक बार भी। तो अगर अभी ब्राइडल का जब चलेगा ना सीजन तो मैं इसी ज्वेलरी में ब्राइडल वीडियो शूट करूँगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, बैंदी जो मैंने बैंदी लगाई थी ना वो, और इसकी देखिए पट्टी मैंने निकाल के अलग रख दी थी और फिर मैंने बाद में इसको जोड़ ली थी, ये देखिए कैसी लग रही है ये मेरी ज्वेलरी, शायद अच्छी लग रही हो आप लोगों को, किसी को नहीं भी अच्छी लग रही हो, किसी को अच्छी लग रही होगी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैं लेके आई थी इसको। इस ज्वेलरी को ना मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिया था। तो अगली मैं दिखाती हूँ आपको, अगली ज्वेलरी में दिखाती हूँ मैं ये वाली। तो मतलब मैंने अभी नहीं लिए, काफ़ी पुराने रखे हैं, बट मेरे अच्छे से रखती हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। तो अगला है नेकलेस ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए है ना ये सुंदर एकदम मस्त, इसका मोती कहाँ अटक गया भैया, निकल के आ जाओ, ये देखिए
आप लोग बताइए आपको कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, तो मैं उसी पे ये करवा चौथ के जो मेकअप लुक है ना वो सूट करूंगी। ठीक है, ये देखिए इसके इयररिंग्स, इसके ये इयररिंग्स हैं, ये देखिए, और इसकी जो बैंडी है वो ये है, ये बैंडी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और ये नेकलेस, ये नेकलेस आप लोग बताइए कैसा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा। इस नेकलेस को कई टाइम, बहुत टाइम हो गया, मतलब टाइम नहीं मतलब साल हो गए। तो अगली मैं दिखाती हूँ आपको ये बहुत भारी ज्वेलरी है भाई, बहुत ही भारी है, क्योंकि इसमें ना टोटल मोती का काम है। ये जब मतलब मैंने ये जो मेरे देवर की शादी थी मैंने तब ली थी इसको, तब मतलब पर्ल बहुत ज्यादा, बहुत ये मतलब ये क्या बोलते हैं क्या कुछ चला था तब बहुत ज्यादा, ये रानी हार टाइप्स करके बहुत चली थी ये, तब बहुत ज्यादा क्रेज में थे। तो ये देखिए इसका ये है, ये थोड़ा लॉन्ग में आ जाता है, मतलब ये रानी हार करके है ना, तो ये देखिए ये पूरा ये रहा, तो ये बहुत भारी है भाई, लेकिन सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर है। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत भारी है इसको, मतलब इसके इयररिंग्स और ये मोती है ना, एकदम अच्छा वाला मोती है, ये खराब नहीं निकलता है, वो मोती है। और इसके इयररिंग्स, ये इसके इयररिंग्स है एकदम भारी भारी, बड़े बड़े, अच्छे हैं ना, जब इसको पूरा वेयर करते हैं, लुक क्रिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये है इसकी बैंडी, ये देखिए सेम है पूरा, मतलब ये सेट है ज्वेलरी का। तो ये मैंने लिया था तब जब मेरे देवर की शादी थी, तब लिया था मैंने इसको। तो वो ये था कि फैशन आती जाती रहती है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। और अब मैं आपको अगली ये दिखाऊंगी, ठीक है, अभी मैंने ये वेयर नहीं की है क्योंकि ये थोड़ा हैवी ज्वेलरी है ना, तो हैवी ज्वेलरी के लिए या घर के फंक्शंस हो या फिर मतलब कुछ ऐसा हो कि पहनना चाहिए, बट अभी कोरोना और रोना के चक्कर में ना कहीं शादी आदि में कहीं गए ना कुछ हुआ, और फिर तो ये मैं सोच रही हूँ ये ज्वेलरी में एक लुक क्रिएट करूँगी। इसके इयररिंग्स कितने सुंदर है, इसके इयररिंग्स ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, ये देखिए मस्त है ना। अभी मैंने इसको एक बार भी बेयर नहीं किया, इसमें ये ना गोल गोल ही मीने का काम है, और इसकी जो बैंदी है वो इस टाइप की है, ये देखिए अच्छी है ना, इसका जब लुक क्रिएट होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका जो नेकलेस है वो मैं दिखाती हूँ आपको, कब से रखा हुआ है इसका, अभी श्री गणेश ही नहीं हुआ है। अब मैं वीडियो कोई क्रिएट करूँगी मेकअप की, उसमें उसको पहनूंगी या मैं करवा चौथ पे इसको पहनूंगी। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, एकदम हैवी ज्वेलरी में आ जाता है ये ब्राइडल टाइप्स, मतलब अच्छा लगता है ना, ये देखो कितना अच्छा लगे, ये पूरा मीने का काम है और ये यहाँ पे मोती लगे हैं, ये नग लगे हैं, तो अच्छा लग रहा है इसका। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं करवा चौथ पे वेयर करूँगी, या आप लोग कमेंट करिए तो मैं इसके कोई मेकअप की वीडियो में इसको वेयर करूँ। ये मुझे इसकी इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये कितनी ज़्यादा सुंदर मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। तो मैं अभी ऐसे ही फैला के रखे जा रही हूँ इसको, वीडियो एंड होने के बाद सारे को, मतलब ये वही ना इसकी इयररिंग्स ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वही है, सारा कुछ फैल गया, अब आराम से समेटना है, वीडियो बन जाएगी उसके बाद। तो अगला मैं क्या दिखाऊँ, चलो अगला मैं दिखाती हूँ ये वाली, ये थोड़ा वो साउथ टाइप का है ना, इसमें थोड़ा साउथ का टेस्ट आ जाता है ये वाली ज्वेलरी में।
तो इसको भी मैंने अभी तक नहीं पहना है। और ये मेरा मैंने शॉर्ट वीडियो आई थिंक इसका डाला था बहुत पहले, जब ये मैंने जूली ली थी उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही मुझे लगा तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी है, हल्की भी है और अच्छी भी है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये मस्त लग रही, एकदम सुंदर सी है ना, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही। और इसमें ये बैंदी नहीं है, मतलब ये ओनली नेकलेस है और इयर रिंग्स आए इसके, अच्छी लग रही है ना, मतलब ग्रीन वही है ना, नेकलेस में जो ग्रीन कलर का टच आ जाता है ना, तो ज्वेलरी में चार चांद लग जाते हैं। और इसकी जो इयर रिंग्स हैं वो ये है, मैं दिखाती हूँ अभी, इसकी इयर रिंग्स भी बहुत ही अच्छी है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके इयर रिंग्स हैं, ये इसके इयर रिंग्स हैं। तो ये है, ये ज्वेलरी अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फ्लिपकार्ट पे शॉपसी है जो, उस पर ऑफ़र चल रहा था तब मैंने इसको उससे बाय किया, तो बहुत टाइम हो गया, अब तो वो काफ़ी ऑफ़र भी नहीं रहे हैं, तो मैंने उसी से शॉपसी से ही इसको मंगवाया था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए मैंने इतने दिखा दिए हैं, अब इतने से मतलब जो इन नेकलेसेस में, आप बताइए मुझे किस नेकलेस के साथ करवा चौथ का लुक क्रिएट करें हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट करके या मैसेज करके, कैसे भी बता दीजिए कोई नहीं। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए आप, मेरी इंस्टा की आईडी इसमें मेंशन कर दूंगी मैं, तो आप मुझे बताइए मैसेज करके कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहन के मेकअप लुक क्रिएट करूं, ठीक है। तो मैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक दो दिन में ज़रूर ही मेकअप का वीडियो डालती हूँ। और जो मैंने जो सौभाग्यवती भवा के कंगन बनाए थे तो वो सबको इतने ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आए हैं, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मुझे। तो मैं उसका वीडियो क्या है कि सिवाय मेरे फ़ोन के साथ खेलते रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया उसकी जो वीडियो की एक दो क्लिप्स ही वो डिलीट कर दी हैं, तो अब उसका कुछ, अब वही है ना, जब चीज़ें आधी आधी रह गई हैं तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ जो मैं अगला बनाने वाली हूँ, इसका मैं अगला भी बनाऊँगी, मतलब दूसरा सेट भी बनाऊँगी, तो मैं अभी थोड़ी दिन में बनाऊँगी, तो तब उसका मैं ये वीडियो डालूँगी ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और ज्वेलरी कैसी लगी आपको, तो आशा करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।